हे गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है फिर से। और जैसा कि आप टाइटल में पढ़ चुके होंगे, बात करने वाले हैं कि 2020 में टेक जॉब्स कैसे मिले। और आई थिंक ये तो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी बात करते हैं, चाहे वो बंदा ऐसा हो जो कॉलेज में हो, चाहे वो बंदा ऐसा हो जो कि ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा हो। बट ऐसा कोई बंदा देखा है जो हमेशा बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड होते होंगे? एक दो लोग, बट बहुत ही कम मेजोरिटी तो ऐसी होती है जो कि देख रही होती है और अच्छा ऑप्शन। और एक तीसरा सेट ऑफ जनता यह है जो कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि कैसे जॉब लें, कॉलेज भी ख़त्म हो गया है और जॉब नहीं मिल रही है। तो मेरा जो कोशिश रहेगा वो यही रहेगा इस वीडियो में कि मैं आपको बता सकूँ अपने एक्सपीरियंस से कि क्या फंडे हैं, क्या करना चाहिए। थोड़े से खुलासे करूँगा इस इंडस्ट्री के बारे में जो कि मैंने देखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। ओके, तो पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि ज़्यादातर जनता होगी वो कॉलेज की होगी। तो आपको कॉलेज में ये तो सिखाई दिया गया होगा कि भाई एक गिटहब पे अकाउंट बना लो और एक लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, राइट? तो उसके लिए तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलने की भी ज़रूरत है। तो आजकल तो कॉलेज का मतलब सिखाना तो खैर दूर हो गया है, बट ये काम ज़रूर करा देते हैं कि बच्चों को ये बोल दो कि भाई लिंक्डइन पे एक अकाउंट बना लो, एक गिटहब पे अकाउंट बना लो, naukri.com से अप्लाई कर दो, पर ऐसे जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, गिटहब पे अकाउंट बनाने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने से जॉब नहीं मिलने वाली है। कोई भी कंपनी होगी, कहीं पे भी होगी, वो ये चीज़ ज़रूर देखेगी कि हाँ आपका अकाउंट है कि नहीं, ताकि वो आपको चेक कर सके। ठीक है, आपकी मतलब देख सके एक्टिविटीज़ की आप क्या काम करते हो। गिटहब पे अगर कोई जा रहा है तो आपका कोड देखने के लिए जा रहा है, लिंक्डइन पे जा रहा है तो देखने के लिए जा रहा है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप किस तरीके के प्रोफेशनल बंदे हो। और स्पेशली जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि स्टार्टअप नहीं होती, वो ये सब चीज़ ज़रूर देखती हैं। और इस चीज़ से आगे मैं बढ़ूँ, उससे पहले मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ अपने इंजीनियर भाइयों से, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कि पढ़ रहे हैं, या जो दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं विप्रो, TCS वगैरह वगैरह, जिस भी कंपनी में। यार देखो, 5,000 रुपये के लिए अपने आप को क्यों मतलब गिरवी रख देते हो एज अ लेबर टाइप, ये काम मत करो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ से सबसे बड़ा नुकसान होता है स्पेशली इस कंट्री को, क्योंकि आप लेबर की तरह काम करोगे तो लोग आपसे लेबर की तरह काम कराएंगे। 5,000 मतलब क्या आपको सच में लगता है कि आपकी वर्थ है? चाहे आपको कितना आता है नहीं आता है वो मैं नहीं बोलता हूँ, बट क्या आपको लगता नहीं है ऐसा कि मैं सीख सकता हूँ? क्या आपको ये नहीं लगता है कि हाँ मतलब मेरे अंदर भी वो टैलेंट है अगर मुझे कोई ढंग से सिखाए तो? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों के पास एटलीस्ट इतनी तो स्किल होती है कि अगर कोई ढंग से सिखाए तो हम सीख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते। बट जब इतना दिमाग है तो भाई इसमें क्यों नहीं है। तो 5,000 में जॉब, 10,000 में जॉब करने से पहले एक बार आप ज़रूर सोचो कि यार क्या यही मतलब मेरा भाग्य है, या मैं मतलब इतना ज़्यादा लेवल नीचे गिरा सकता हूँ, स्पेशली जब आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा हो। अगर सीखने के लिए मिल रहा हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई फ्री में जॉब कर लो, बट अगर नहीं मिल रहा है कुछ सीखने के लिए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देन अगर मैं प्रिपेयर करने की बात कर रहा हूँ तो अब मैं आगे बात करता हूँ कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो यार, बहुत तरीके के जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है इंटरव्यू क्रैक करना, क्योंकि इंटरव्यू अलाइन भी कर लोगे। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ अप्लाई करना है, पर उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई करना कुछ दिन बाद होगा। ठीक है, पहला स्टेप है पढ़ना। तो देखो, दो तरीके की चीज़ होती हैं। सबसे पहले ये क्लियर करो कि आपको कहाँ जॉब करनी है। ठीक है, मतलब आपका क्या ड्रीम है। आपको बहुत लोग बोले होंगे कि मुझे अमेज़न में जॉब करनी है, गूगल में जॉब करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी है। तो यार देखो, कोई मतलब ना मजाक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा उसके लिए, और जो सबसे बड़ा एफर्ट लगेगा वो होगा एल्गोरिदम्स। तो आपको एल्गोरिदम्स पढ़ना होगा, और एल्गोरिदम्स अगर आप पढ़ लेते हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, क्या है क्या नहीं है। बट आप एल्गोरिदम्स अच्छे कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको ऐसी जो जाइंट कंपनीज है उसमें जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे 100%, और डेफिनेटली मिल भी जाएगी आफ्टर मतलब कुछ ट्राइज के बाद। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपका ड्रीम वो है तो पहले दिन से आप स्टार्ट कर दो एल्गोरिदम्स करना। ठीक है, आप पढ़ो क्या होता है बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट एंड ऑल दैट, ट्रीज, ग्राफ्स, सब कुछ, वो सारी चीज़ें। ठीक है, एक बुक है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, वो आप खरीद सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, वो काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप बुक का रेफरेंस मांगोगे। बाकी ट्यूटोरियल्स तो दुनिया भर के हैं ही, और मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कहाँ कहाँ ट्यूटोरियल मिलते हैं, तो वो डेफिनेटली एक स्पेस है। इसके अलावा जनता है जो कि
मतलब एल्गोरिदम वर्गोरिदम ठीक है वो तो होता रहेगा, बट और तरीके की जॉब ढूंढ रही है या जो जिनको लगता है कि वो थोड़ा हार्ड टास्क है उनके लिए, अब उनके लिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी थोड़ी जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो यार देखो बहुत मुश्किल है जॉब इस इंडस्ट्री में ढूंढना, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब एक्चुअली मुश्किल है, बट अच्छी जॉब मिलना मतलब जो कि आप डिज़र्व करते होगे, तो उसके लिए यार देखो एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि आप इतना कंटेंट है ना इंटरनेट पे कि आप एक्चुअली सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है या कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो आप सीखना है, ऐसा नहीं होता है ठीक है। आप बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि आप इंटरनेट पे जाओ कोई कोर्स करो, जैसे फ्री कोड कैंप डॉट ओ आर जी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो और काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हो। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसका कोड गिटहब पे डालो, उसकी एडवर्टीजमेंट लिंकडिन पे करो या ट्विटर पे करो, और इस तरीके से आगे बढ़ोगे और जब अपना रिज्यूमे बनाओगे और कंपनीज के साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकती है। अब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं अगर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो एंजल लिस्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी अच्छे रिक्रूटर्स होते हैं, तो आप वहाँ से जॉब ले सकते हो, और मैंने तो काफ़ी फ्रेशर्स की प्रोफाइल वहाँ पर देखी हैं, इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके के हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो मोस्टली फ्रेशर्स ही होते हैं, तो फ्रेशर्स के लिए डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म बन चुका है वो, naukri.com, shine.com, फलाना.com, ठिकाना.com, ये सब तो यार मतलब मुझे मजाक सा ही लगता है थोड़ा। पता नहीं किस तरीके की जॉब मिलती है नहीं मिलती है, बट मेरा ये बिलीव रहेगा कि आप कॉन्टैक्ट्स बनाने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, लिंकडिन पे कनेक्ट करो बहुत सारी कंपनीज के साथ, वहाँ पे देखो कि क्या वैकेंसीज़ हैं, फेसबुक ग्रुप्स और दुनिया भर के ग्रुप हैं, टेलीग्राम्स पे भी ग्रुप होंगे, जॉब्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं वो ज्वाइन करो ताकि आपको पता चले कि यार मतलब क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरीके के लोग हैं, क्या मांग रहे हैं, डिमांड क्या है। अच्छा एक और चीज़ है जो लोग होते हैं कि भाई आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, तो देखो यार जितना तुमने सुना होगा आजकल में वही मार्केट में चलता है ठीक है, और ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो चल रही है या उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, आप कितने अच्छे हो किस टेक्नोलॉजी में उस पर डिपेंड करती है चीज़ें। आप अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगा, चाहे आप कुछ भी आता हो, आपको जावा आता हो, सी शार्प आता हो, सी आता हो, सी प्लस प्लस आता हो, डार्ट आता हो, फ्लटर, एंड्रॉयड, कुछ भी आता हो ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। अब अगर आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी है तो अगर आप मुझसे पूछोगे भाई ये तो बताया नहीं तुमने कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं कुछ और एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर सीखना है तो कोड एकेडमी के फ्री कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, अगर कोई सीखना चाहता है। प्रैक्टिस करना है तो आप लीट कोड वगैरह यूज़ कर सकते हो, लीट कोड पे अकाउंट बना सकते हो, या और दूसरी जो चीज़ है कोड शेफ़ आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना डेडिकेशन देनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको डेली एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस करो और ये सब चीज़ें करो। इसके अलावा जब आप कंपनीज को भी मतलब आपको इंटरव्यू देना है, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपको लग रहा है कि मैं जॉब क्रैक कर लूँगा, तो उस कंपनी के बारे में स्टडी ज़रूर करो, ग्लास डोर पर रिव्यूज़ देखो, हालांकि पता नहीं कितने आपको वैलिड रिव्यूज़ मिलेंगे या नहीं इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, बट हाँ देखो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो कि किस तरीके कंपनी है नहीं है, मेरा टाइम वहाँ पर लगेगा कि भी नहीं। प्योर नर्ड बनना चाहते हो तो टेकी अच्छे जेन्युइन तो स्टार्टअप ज्वाइन करो क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, एमएनसीज को अवॉइड करो, और ये मतलब क्योंकि बड़ा वीडियो है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ध्यान से सुनना अगर ऐसा लग रहा हो कि काम की चीज़ है तो ये मेरा एक वो होगा। अब इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो भी आप पढ़ते हो, बट मैं ये बोलूँगा कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि बेसिक्स ही मेरा, अगर मेरे जैसा इंटरव्यू होगा या मैं भी इंटरव्यूज जब भी लेता हूँ तो मेरा मेन कंसर्न बेसिक्स होता है, यानी कि तुम्हें एडवांस आना चाहिए। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे आपको डेवलपर्स मिलेंगे जो एंड्रॉयड पर काम करते होंगे ठीक है, अब उनसे कोई गूगल मैप्स का क्वेश्चन पूछ ले तो देयर इज़ अ चांस, एक एक है प्रोबेबिलिटी कि उसको नहीं पता होगा क्योंकि हो सकता है उसने गूगल मैप्स पर कभी काम नहीं किया हो। लेकिन हाँ एंड्रॉयड में, अब एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कैसे किस तरीके से बनाया जाता है और क्या है चीज़ें लेआउट्स कैसे बनाते हो, कुछ भी है या बेसिक जो जावा के चीज़ें हैं वो अगर कोई पूछ रहा है तो वहाँ पे सेंस बनता है बिकॉज वो कोई भी पूछ सकता है और वो आपको आनी चाहिए। पर हाँ कोई एडवांस चीज़ें जब तक नहीं पूछेगा कोई, जब तक मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि आपको वो चीज़ आती है या मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो पढ़ा है तो तभी बोलो जब आपको पता हो कि एक्चुअली वो क्या करती है, ऐसे ऊट पटांग के आंसर मत दो कि हाँ मैंने यहाँ से बोल दिया वहाँ से बोल दिया। थोड़ा सा इंटरव्यूज़ देने से पहले एक स्टेप पीछे फिर आ रहा हूँ रिज्यूम बनाने वाली बात पे, तो बहुत सारी वेबसाइट है लाइक नोवो रिज्यूम,
मुझे एक लगती है, जहाँ से आप अच्छा रिज्यूम बना सकते हो। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये चीज़ भी। और मैं हमेशा बोलूँगा कि एक पेज से ऊपर का रिज्यूम मत बनाओ अननेसेसरली, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है जो आपका रिज्यूम ऐसा दिखेगा। और मोस्टली रिज्यूमे पर क्या देखते हैं लोग, तो एक्सपीरियंस देखते हैं आपका, और अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट्स देखते हैं। ठीक है, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती किसी के लिए भी। कोई ये नहीं देखना भाई मैं 10वीं क्लास में यहाँ पढ़ता था, मैं 12वीं क्लास में वहाँ पढ़ता था, मैंने कॉलेज यहाँ से किया, मैंने ये यहाँ से किया। अरे नहीं फ़र्क पड़ता यार, टेक में नहीं फ़र्क पड़ता, इतना नहीं पड़ता। कुछ लोग देखती होंगी, कुछ कंपनियां तो भाई भगवान बचाए उनको, मैं तो प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि भाई क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ काम किया है, किस चीज़ पे काम किया है, स्किल्स क्या हैं, वो मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी, रादर देन कि आपने 10th कहाँ से की, 12th में, 12th कहाँ से की, आपका बर्थडे कब आता है, आपके पिताश्री का क्या नाम है, ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ढंग का इंटरव्यू ये सब चीज़ें देखता होगा, और किसी को इतना टाइम नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, ये फालतू के ड्रामे हैं जो कि हमारी कॉलेज लाइफ से सिखाया जा रहा है हमको, और कॉपी पेस्ट में तो हम एक्सपर्ट हैं ही, तो ये सब काम मत करो, ज़रूरत नहीं है, अपनी आइडेंटिटी अपने हाथ में है। इसके अलावा इंटरव्यू प्रोसेस पे आप पहुंच गए हो, अब थोड़ा सा कंपनियों की बात कर लेते हैं। जो चिट्ठे हैं, तो काफ़ी कंपनियां बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझती हैं, एप्टीट्यूड कराएंगी, ये कराएंगी, वो कराएंगी। आपको ऐसा कभी भी लगे कि यार यहाँ पर बकचोदी हो रही है, या ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि मेरे मतलब की नहीं है, तो भाई अवॉइड कर दो। ठीक है, भाग जाओ वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, चलो भैया टाइम बर्बाद मत करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और निकल लो। हाँ, मैं ये नहीं बोलता मैं एप्टीट्यूड्स के खिलाफ हूँ, या मैं ऐसी चीज़ों के खिलाफ हूँ कि इंग्लिश चेक कर रहे हो, ये चेक करो, वो चेक करो। अरे जिस बेसिक स्किल के लिए तुम हायर कर रहे हो, कम से कम वो तो चेक करो। अगर वो नहीं है, या वो है तो डिपेंड करता है कि और स्किल्स है या नहीं है, बट वही नहीं है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसा हो सकता है, मान लो मैं तो जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर्स को भी जानता हूँ जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे प्रोग्रामर्स नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, तो ये मिथ भी निकाल दो। और इसके बेसिस पे खुद को भी जज मत करो, अगर आप मान लो कहीं पर इंटरव्यू नहीं कर दे पाए, मतलब या क्रैक नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमी है, ये वो नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए, हो सकती है, बट ये बिल्कुल भी उसका एक कंक्लूजन नहीं हो सकता कि मैंने इसलिए इंटरव्यू क्रैक नहीं किया क्योंकि ये वो फलाना ढिकाना जो भी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमेशा याद रखो कि आपको जितनी एक जॉब की ज़रूरत है, उतनी ही उस जॉब को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है इस मार्केट में जिस जॉब इतना ईगो लेके घूमता है कि नहीं मैं हूँ तो सब कुछ है, कोई नहीं करता, और करता भी है तो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, तो वही चीज़ है। बट आपने सुना ही होगा कि सबको रिप्लेस किया जा सकता है, तो वो तो भाई नियम है। ठीक है, प्रकृति का नियम है, ना सुना होगा, पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, तो वो तो हर जगह होता ही है। तो आपको मेन चीज़ ये है कि ना, आजकल जितनी भी कंपनी है वो यही ढूंढेंगे कि आप ना वक्त के साथ चेंज हो सकते हो कि नहीं, आप नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो कि नहीं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्पेशली मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं कहीं पे भी इंटरव्यू लेता हूँ या देता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है कि आप नई चीज़ पे अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आगे। तो आपने देखा आज फ्लटर है, कल कुछ और होगा, ये होगा, वो होगा। मेन चीज़ ये है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा सीख सकते हो, और सीखना मोस्टली मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है, रादर देन कि ऐसा होना कि नहीं यार इसको सब कुछ पहले से आता है। अगर आप ऐसे, अगर आप कोई इंटरव्यूअर हो और आप ये देख रहे हो वीडियो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस बेसिस पे लोगों को जज मत करो, सबको बराबरी का मौका दो एटलीस्ट। और जो टेक चैलेंजेस होते हैं वो फिर भी मुझे बेटर लगते हैं कि भाई एक चैलेंज मिला, अगर उसको कर लेते हैं लोग तो आप उसके बेसिस पे जज कर रहे हो। तो वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी काम का वीडियो है, तो देखो इसको पूरा कंप्लीट ज़रूर करो। इसके अलावा आप हमेशा जब भी इंटरव्यू में बैठते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, ये मत दिखाओ कि हाँ जी सर जी आप जो बोलेंगे वही मैं करूँगा, भाई ये एटीट्यूड से नहीं होगा काम। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको ये दिखा दो कि ये तो बिल्कुल ही मतलब वो लेबर वाला ही काम करने आया है, या ये तो मेरा चेला बनेगा, इस तरह का एटीट्यूड नहीं। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ और उनको भी बताओ कि हाँ भाई आप मुझे हायर कर रहे हो बिकॉज मैं डिज़र्व करता हूँ नौकरी। ठीक है, आप मुझे पैसे दोगे बिकॉज मैं आपके लिए काम करूँगा। और इस तरीके का एटीट्यूड अगर आपका नहीं है तो यार थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। नहीं, ये नहीं कि वहाँ पर जी वैसे बन गए और बिल्कुल जोड़े में सर नौकरी दे दो बस बाकी तो सब ठीक है, वैसा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ज़्यादा दिन टिकता नहीं, ना तुम उसके लिए हेल्पफुल हो ना वो तुम्हारे लिए है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं मैं उस पर भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। अगर मैं, क्योंकि अभी देखा होगा फ्लटर सिखाता हूँ या फ्लटर की नौकरियाँ दी हैं मैंने कुछ लोगों को,
तो हेल्प करता हूँ, तो इंटरव्यूज़ भी लिए हैं काफ़ी, एंड्रॉयड के भी ले चुका हूँ पहले। तो मेरा बेसिक यही होता है कि मैं बेसिक क्वेश्चंस पहले पूछूं कि बेसिक क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि फ्लटर क्या होता है ठीक है ये मुझे पता है लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है वो नहीं, फ्लटर क्या होता है बिल्कुल पता ही है आपका, तभी आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो। फालतू के इंटरव्यूज़ दो भी मत, कि आपको लगता है ना कि एक तो बंदा होता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं सब जगह अप्लाई कर देते हैं, क्यों भाई अपना टाइम और उसका टाइम ख़राब कर रहे हो ना, मतलब कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। तो फ्लटर की बात कर रहा था, अच्छा तो एंड्रॉयड फ्लटर या जो भी है, तो बेसिक से स्टार्ट करता है, कोई भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपसे पूछा आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, मोस्टली उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा, फिर आपसे कुछ चीज़ें ऐसी पूछेगा, जैसे फ्लटर अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई लाइफ साइकिल क्या है ठीक है, स्टेट का मतलब क्या समझते हो, स्टेट मैनेजमेंट के लिए कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करते हो, या इनफैक्ट मैं ये पूछूंगा आपसे कि आपने अगर कोई स्टेट मैनेजमेंट यूज़ किया है तो आपको क्या डिफरेंस पता चला, आप डिबगिंग की स्किल्स आपकी कैसी हैं, कैसे डिबग करते हो, डेटाबेस कैसे मैनेज करते हो, ये सारी चीज़ें मैं पूछूंगा, जो कि बहुत ही एक ऐसी चीज़ होंगी जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ज़रूरी होती होंगी। अभी ये नहीं पूछूंगा आपसे बटन क्या होता है ठीक है, ये क्या होता है वो क्या होता है, वो सब बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, और मैं इतना एडवांस भी नहीं पूछूंगा मोस्टली, अंटिल अनलेस आपकी वो प्रोफाइल है कि मतलब मुझे बताओ कि ये पर्टिकुलर सिस्टम डिज़ाइन कैसे काम करता है और ये वो बहुत ही बात की चीज़ होती है, और वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों से पूछी जा सकती है, अगर उसका उस प्रोफाइल के लिए पहले से डिस्क्रिप्शन में हमने मांगा है वो एज अ रोल, तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी उसके बाद, और नेगोशिएशन करना भी आपको आना चाहिए, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि मेरे को कितने पैसे मिलने चाहिए, और मैं उस पर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ कि ये कैसे निकाला जाता है, निकालना का कोई तरीका नहीं है ऑल दो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगा उस बारे में भी, और मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, कभी भी आप उनको किसी भी इंटरव्यूअर को ये ऑप्शन मत दो, ये अपॉर्चुनिटी मत दो कि वो आपको गुमराह कर सके किसी भी तरीके से, या वो आपको डाल दे कि नहीं यार मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा ये करूंगा वो करूंगा, बोलो भैया इंस्टेंट जवाब दो, नहीं तो जो भी आपका टाइम है, जो भी आप इंटरव्यू का जो भी एनालिसिस करने वाला हो उसके बाद जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो, मुझे टिका के मत रखो, और किसी के वेट में भी मत रहो, जब तक आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही है तब तक ठीक है। दूसरी चीज़, बॉन्ड लीगल नहीं है इंडिया में ठीक है, लेबर यानी बंधुआ मजदूर आपको नहीं बनाया जा सकता है, तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आप फंस चुके हो तो भाई निकल जाओ ठीक है, इन ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है और करियर अच्छे से बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि एक कंपनी आपको ज़रूर ब्लैकलिस्ट कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका करियर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास ऑप्शंस बहुत आएंगे, स्टार्टअप्स बहुत सारी हैं, इन्वेस्ट करो और अपना टाइम इन्वेस्ट करो, आप खुद से खुद को टाइम दो और चीज़ें भी करो, अपना दिमाग को थोड़ा शांत रखो और प्रैक्टिस करो, यही है प्रैक्टिस इज़ द की, एट द एंड प्रैक्टिस ही आपको बेहतर इंसान बनाएगी, बेहतर कोडर बनाएगी या बेहतर इंजीनियर बनाएगी, तो प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। और ये कुछ टिप्स थे मेरे ख्याल में जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं, कुछ लिंक्स अगर आपको चाहिए तो मुझसे मांग लेना कमेंट्स में, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइबर नहीं हो ऑलरेडी, और मुझे बताना कि किस तरीके के चैलेंजेस आप फेस करते हो, किस तरीके के आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। सो थैंक यू अगेन देखने के लिए, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी ब्लिंक क्यों कर रहा है, क्या लगता है जॉब मिलेगी कि नहीं इस बार, व्हाट डू यू थिंक कि जॉब क्या है ठीक है, मतलब क्या इंटरेस्ट है आपका, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी बोल रहा हूँ यार, व्हाट नॉनसेंस, दोबारा शूट करेंगे यार। ओह यार एक कैमरे के आने का मन नहीं करता है, कैमरा सक्स, कौन क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम।